कोच कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए की न्याय की मांग। कोच जलून कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए प्रदीप कुमार पुत्र रामदास याज्ञिक निवासी मोहल्ला गोखले नगर कोच ने बताया कि घटना कल दिनांक 10 फरवरी समय करीब 11 बजे की है। प्रार्थी चंदू का चौराहे पर जाफरानी चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था, उसी समय रवि वरानू राठौर पुत्र जगदीश निवासी मोहल्ला लाजपत नगर कोच आए, जो कि शराब के नशे में थे तथा प्रार्थी को धक्का मार दिया। प्रार्थी के ऐतराज करने पर उत दोनों लोगों ने गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देने लगे। शराब के लिए 2,000 रुपए जबरन गुंडई के बल पर मांगने लगे। प्रार्थी को के इनकार करने पर उक्त दो लोग और साथी आ गए, जिनका प्रार्थी नाम नहीं जानता है, चेहरा देखने पर पहचान लेगा। यौम सभी लोग एक राय होकर प्रार्थी को डंडा यौम घूसे से मारने लगे, जिससे प्रार्थी को चोटें आईं। यौम उसका मोबाइल टूट गया। प्रार्थी के शोर मचाने पर अनिल रजक पुत्र बलराम रजक निवासी मोहल्ला भगत सिंह नगर कोच व दीपक राठौर पुत्र राम सेवक राठौर निवासी मोहल्ला सुभाष नगर व अन्य कई लोग आ गए। तब वह और उनके साथी यह कहकर भाग गए कि आज तो बच गया साला, अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से समुचित कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई। बाइट पीड़ित प्रदीप कुमार याज्ञिक जलोन से जिला संवाददाता केश कुमार को सुहा की रिपोर्ट। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? नगर पहुँच। क्या मामला है? कल लगभग 11 बजे चंद्रपुर चौराहे पर हम जाफरानी चाय वाली की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी शराब के नशे में राहुल रानू राठौर रवि राठौर ने आकर हमको मारना चालू कर दिया। दो लोग और आ गए, उन्होंने हमारे लगभग 2,000 रुपये छीन लिए, हमारा मोबाइल तोड़ दिया और हमको बहुत मारे डंडों से और लात घूंसों से। माँ बहनों की गालियाँ देते हुए भाग गए। 2,000 रुपये किस बात को लेकर के छिना लिए आपसे? हमने गुंडागर्दी के दम पर कि हमको शराब पीने के लिए पैसे दो। पैसे न देने पर उन्होंने मारा पीटा? बिल्कुल, बहुत मारा। पहले से कभी जानते हो उनको? नहीं जानते। पहली बार आपने देखा है उन लोगों को? नहीं, ये जानते कि इनकी ये दुकान है कि बस गैस की दुकान है उनकी बाजार में। 11 बजे दिन की घटना है कि रात की? दिन की। दिन की 11 बजे? हाँ। आपने शिकायत की कहीं? हाँ। कहाँ की? इंस्पेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र दिया। कोतवाली? कोतवाली। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे।